आज है ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो उसमें इंडिया जीत चुकी। यस वो ये मरवाएगा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसा आप सब भाई, होप आप सब बढ़िया होंगे और सब घर पे मौज ले रहे होंगे। सो गाइस, अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 9:30 और फिलहाल अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हम बनाएंगे शॉर्ट स्टूडियो। बस यार शॉर्ट स्टूडियो के बाद है ना फिर दोपहर में बनाऊंगा मैं रो स्टूडियो। और आज तो काफी ज्यादा काम है यार, और साथ के साथ आज दिवाली भी है तो आप सबको यार हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस, दिल से यार आपने हमें जितना सपोर्ट किया उतना यार ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना। और गाइस ऐसे यार एक बात बताता हूँ, इन दिनों में हम आज पहली बार आया वीडियो बनाने के लिए सुबह, बाकी तो यार हमेशा शाम को आते हैं। देखना दूसरी बार हुआ है। यार ये चलती नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है, बम की बत्ती। ओए रहने तो मैं कर लूंगा, सीन कर लूंगा। सीन की बात नहीं है भाई, अंदर डालते हैं ना बत्ती बुझ जाती है, पता नहीं। अरे बत्ती वो ही मत करो, चिल्लो ही मत, बत्ती वो फट जाएगा एक बार में, एक सेकंड में फट जाएगा। अरे यार तो एक काम करो, बम को पहले बोतल के अंदर डाल दो फिर माचिस की तिल्ली भी डाल दो। ऐसी सही है, चल अब दोबारा से करूंगा। फाइनली गाइस हमने 3 शॉर्ट्स वीडियो बना लिया है और अभी टाइम हो चुका है 10:30 और उमंग को जाना था मंदिर में यार, तो इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, बाकी ना और वीडियो बनाने का प्लान था। गाइस ये देखो हड़ताल के चक्कर में कितना ज्यादा कूड़ा हो गया यार, पूरी की पूरी रोड भर गई। गाइस जब तक हड़ताल लगी हुई ना सारे लोग यहीं पे कूड़ा गिर रहे हैं, बाकी गलत चीज है यार हड़ताल कर रखी है, कम से कम 4-5 दिन हो गए कूड़े वाले रेडी नहीं आ रहे यार। तो गाइस फिलहाल अभी बना लेते हैं और प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस, दीपावली आ रही है ना तो दीपावली में वीडियो बना लेते हैं, मतलब जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है ना उसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। तो बस ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे यार, 2-4 वीडियो बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं और मैं ट्राइपॉड से बनाऊंगा अकेला। सो फाइनली गाइस वीडियो तो बना लिया है, तो मैंने फोन ज्यादा गर्म हो गया तो फोन को चार्ज लगाऊंगा पहले तो, और नीचे जाकर कुछ खाऊंगा भी यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो गाइस फिलहाल अभी खा लेते हैं हलवा जो रात को बनाया था, तो वो पड़ा था थोड़ा सा तो वो मैं खा रहा हूँ सारा। गाइस इतना अंधेरा कर रखा है रूम में, मैंने 2 वीक पहले ना एक फूड ब्लॉगिंग करी थी, वो फूड ब्लॉगिंग ने मैंने अब तक अपलोड नहीं करी चैनल पे, तो वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ और फिलहाल अभी पी लेते बनाना शेक। मेरे को एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि जो 6 दिन का गैप है ना वीडियो में ब्लॉगिंग में तो उसको कैसे कवर करो यार, क्योंकि लगातार ब्लॉग तो बनते जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन के लिए ना ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी या फिर कुछ और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आगे रेडी हो चुका हूँ तो पहले जल्दी से जल्दी स्क्रिप्ट लिख लेते वीडियो की। तो गाइस ये बात और बताऊँ, जो वीडियो आज बनाएंगे ना उसको अपलोड करना जरूरी है शाम को, और वो वीडियो ना दिवाली पे होने वाली है और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी गाइस मैंने दिवाली पे ना रोस्ट वीडियो एक बार भी नहीं बनाई, तो अब की बार बनाएंगे और ये वाली वीडियो ना धमाकेदार बनाएंगे। तो गाइस आज चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, साथ ही में तारीफ करनी होगी। फिलहाल बैटिंग चल रही है, किसकी बैटिंग चल रही है? गाइस फिलहाल पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है और अभी स्टार्ट हुआ मैच। गाइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है ना तो मेरा देखने बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बट यार वीडियो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और देखते हैं मैच में क्या कुछ होगा, कौन विनर होगा। और बाकी गाइस ये बात और बताऊं, यूट्यूब पे ना सबसे ज्यादा दिवाली वाली वीडियो है ना वो है गरीब की दिवाली, मतलब सबको इंटरेस्ट गरीब की दिवाली में है। और एक बात और बताऊं, गरीब की दिवाली लगाने से ना व्यूज भी काफी ज्यादा आते हैं, गाइस लोगों ने बिजनेस ही बना लिया और है ना कंटेंट बना लिया गरीब की दिवाली। गाइस गरीब की दिवाली पे इतनी ज्यादा वीडियो है, इतनी तो शायद नॉर्मल वीडियो भी नहीं है, अमीर वालों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब गरीब की दिवाली इतनी ज्यादा फैला दी, मतलब लोग इतने अजीब अजीब कंटेंट डाल रहे हैं व्यूज के लिए। अब यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, लगभग बच्चे घर पे तहे दिल से बैठ कर रहे थे और कहानी खत्म होने वाली। अबे कैसे सस्ते चोर है जहाँ पे चोरी की वहीं पे, अबे कैसे सस्ते चोर है जा। फाइनली गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और अभी टाइम हो चुका है 6 से, काफी ज्यादा टाइम लग गया वीडियो में क्योंकि है ना मैंने स्क्रिप्ट आधी लिखी थी और आधी ना हाथों हाथ बनाया था। आज है ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो उसमें इंडिया जीत चुकी। यस मतलब दीपावली के दिन इतनी बड़ी खुशखबरी, इंडिया भी जीत गई और साथ के साथ दीपावली भी मनाएंगे।
तो यार लोग बहुत ज्यादा जश्न मनाएंगे इस दिन, तो बहुत ज्यादा मजे आ गया यार, बहुत ज्यादा मेरे को ये सुन के ना बहुत ज्यादा खुशी हुई। स्टूडियो का एडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ना आज ही अपलोड करना है इसको। तो फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से जल्दी नीचे और सब कुछ सेटअप बंद करके। आज का सीन है ना बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं भी पटाखे बजाऊंगा। एक बात और बताऊं, मेरे को ऐसे लग रहा था कि वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि मैंने आधी स्क्रिप्ट लिखी थी और टाइम काफी ज्यादा हो गया था यार, और अभी भी अंधेरा हो गया था। तो अगर 2 घंटे में एडिट होगी ना तो 8 बजे अपलोड हो जाएगी वीडियो। यार कल है ना ये किसी में भी चला रहा है, मतलब इसके पास एक मिसाइल है तो ये बटन दबाने बाद ना मतलब यहाँ से निकलती है एक मिसाइल है, छोटे से दिखाई को नाले नहीं है गाइस, इतनी सी मिसाइल है, मतलब ये को डर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो भी आए ना आगे बंदा उसके सामने चला देगा गाइस, उससे इतने ज्यादा तो लगती नहीं है, अगर लग भी जाएगा ना तो बस थोड़ा बहुत निशान वगैरह होंगे। बम लेके आया उमंग, उमंग दिखाई बम कौन कौन से लाया। आज है ना उमंग नए जूते लाया था तो मैंने कहा था कि भाई पार्टी दियो, पार्टी तो इसने दी नहीं, तो देखो नए बम लेके आया, वही है ये छपरी बम। और क्या है, छपरी बम नहीं है, बिजली बम, बस यही बम लेके आया। और पैसे होते तो आपको पार्टी ना दे सकते क्या? ये तो बाद में रख लेता, पहले मेरे को पार्टी देता। पार्टी देगा मुझे तो जल्दी से एडिटिंग करते हैं भाई, वो लग जाएगा। छोड़ दो आप बताओ भाई, छोड़ दो। रोमन जो पटाखे लेकर आए थे ना सारे बजा दिए नकली ने। और कुछ गाइस ये बात और बताऊं, वीडियो के लिए पटाखे लेकर आए थे ना वो थोड़े बहुत पड़े थे और ये भी बजा रहे, वो छोटी दीपाली है ना तो पटाखे बजा रहे सारे बाहर, और मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है देखो भाई हाथ में, ये देखो प्लेयर फुसी निकला तेरे जैसे। ओ भाई ₹10 अलग से वेस्ट करेगा इसके लिए। देखो वेस्ट क्या है इसमें, यूज नहीं करेगा इसको लाइटर को। ओ यार गाया यार, रुक जा। ओ यार अभी इतने तो बजा गया है बेशरम, ये कह रहा है मेरे को एक बार और दो, थोड़े बहुत पटाखे पड़े हैं भाई, एक भी फुस्सी नहीं निकला तेरा, सारे फुस्से निकले थे है नकली। एक बम बजा तेरे से नकली, रोने लग गया यार, मैंने इसके आराम से मारा था मजाक में, रोने लग गया है। कैमरे की आग लगा दूंगा, कैमरे की आग लगा जाए फिर ब्लॉगिंग कैसे करेंगे भाई, घंटे में मत फेंक दियो वो, ये मरवाएगा भाई। ओ भाई अंटी के लग जाती है, बच गया अंटी, थोड़ा सा बच गया गाइस, चिंगारी लगती है अंटी के सीधे यहाँ से उठ गई, मंग मरवाएगा भाई तू गाइस, बस थोड़ी सी और आएगी रोस्ट वीडियो, वैसे है ना आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है नो गाइस, वीडियो को लास्ट टाइम अपलोड करने का टाइम यही है 8 बजे तक, बाकी बम भी नहीं बजाया यार मैंने। पीयू ने फोन करी थी मेरे को, मतलब भाभी जी वाले फोन से फोन करी है पीयू मेरे को, और कह रही थी कि कुछ सामान दिला लो मेरे को, क्या है वो फोन कर रही थी मेरे को, अगर पे एडिटिंग कर रहा था और ये मेरे को ना परेशान कर रही थी फोन मिला के, इसको पता था मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लाएगी पटाखे कौन से वाले लाएगी, पोपो भी जाती है ये डरती है और पटाखों से, मान ले रखने ये पे खोल रही है, घर पे चेक कर लियो, पीने के लिए लिया गया गंगा जल गाई, यहाँ पे देखो कितनी लाइट लगा रखी है यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी लगा लूँ, पियो आपा ने तो लगाई नहीं, तो लाइट नहीं लगानी चाहिए। गाइस मोहित कर रहे हैं प्रोफेशनल एडिटिंग, लड़के खुद की एडिटिंग कर रहे हैं देखो गाइस। तो मैं बजाऊंगा पटाखे बजाए पियू, आज आप पे बजाते हैं पटाखे, बजाने का है ना दीवे से यूज करेंगे, ये क्या है हट यो। डर लग रहा है तेरे को, तू बजाइयो एक पटाखा, आजा अरे मैं बजवाऊंगा, आजा गाइस इसके ना बत्ती छिल दूंगा मैं, ताकि ना मतलब इसको टाइम वगैरह मिल जाएगा भागने का। क्या बम बजाएगी यार, इसको माचिस ही नहीं जलानी आती मेरे को, लगा माचिस वगैरह तो जला ही लेती है, अब मैं जलाऊंगा देख, पियो ऐसे जलाते देख, भाग जा गर्गन से भाग गई, मैंने इसको बम को ऊपर फेंकता हूँ यार, फूसी था भाभी जी, व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करना आता, इसमें 10 पटाखे और पड़े हैं, क्या भाभी जी भी मेरे को क्या पता, तू आप कहो भी जब जलाना क्या आपको, अब तो हाथ में जला लेते हो बम, हाँ आपने देखा था एक बम अंदर फेंक दोगे, एक बाल्टी पानी भी आएगी आपके ऊपर, तो कोई नहीं मैं पानी से वो बम चलेंगे क्यों भी गला लो बीडी पी के दिखा दो भाभी जी से, शुरुआत आप करो यार, डर लगता था। ओ भाई पत्थर पे रख के तीन बम को ऐसे करो, ऐसे बन जाएगा फिर ये, और बत्ती छिल लेना वरना ना फिर भागने का टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन गाइस मेरे पे ना स्काई शॉट फूट गया था, मतलब
मैं स्काई शॉट दिला रहा था और मेरा मुंह नीचे था, यहाँ पे स्काई शॉट लग गया मेरे, मेरे आईब्रो जल गए थोड़े बहुत। ये तीन बम मैंने एक साथ कर दिए, सॉरी करूँगा। तो गाइस अब दिला रहे तीन का कॉम्बिनेशन। भाभी जी आप यही खड़े रहना, ठीक है? आप यही खड़े रहो वहाँ पे, वहाँ पे क्यों? दो ही बजे मैंने कहा था भाभी जी को बत्ती छीलनी है, बत्ती देखो कैसे छीलते हैं। नहीं आती मेरे को, ऐसे तो साल लग जाएंगे ये देखना। अभी छह बम इकट्ठे बजाएंगे, मम्मी बजाने के छह बम एक साथ, पियू छह बम एक साथ। गाइस छह बम मैंने एक साथ कर दिए और देखते कितने बजेंगे। हजार लड़ी लेके आनी पड़ेगी, अंदर बजे भाभी जी और कुछ कितने, आपको क्या लगता है कितने बजेंगे? एक, अगर एक से ज्यादा बजे तो आप कल पार्टी पार्टी ले लेना, मैक्रोनी बना दूंगी। ओ भाई भागना है, और छे के छे जल गए। और भाभी जी कह रहे थे एक जलेंगे, कल दो पार्टी हो गई। कोई मैक्रोनी की पार्टी है पक्की। यस प्यू को डर लगता है, प्यू पॉलिथीन बजा ले, प्यू खाली पॉलिथीन बजा ले, प्यू सिर्फ पोपो बजा सकती है। गाय छोटी दिवाली थी इसीलिए थोड़े पटाखे बजाए, कल बड़ी दिवाली है बड़े पटाखे बजाएंगे। वैसे मैं लेके तो नहीं आऊंगा यार, पोल्यूशन वगैरह होगा, थोड़े बहुत लेके आऊंगा। मैं लेके आऊंगा पटाखे कल, कौन से वाले लेके आऊं? बच्चे बजाते हैं पोपो, बच्चे ही और बड़े हो आप। एक दिन तो आलू बम बजा दिया था मैंने हाथ में, मतलब फेंक दिया था हाथ में आलू बम जलाया और एकदम से फेंक दिया, मतलब मेरा, मतलब उस दिन बहुत ज्यादा चोट लगती है अगर मेरे हाथ में बम बजता तो। क्या जब आप छोटे थे? अरे मेरे यहाँ पे लगा था एक दिन, यहाँ पे चोट लगी थी मेरे बम से। गाइस ये पटाखे मैंने साथ के साथ इंडिया जीतने के लिए भी बजाए थे यार, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इंडिया जीत गया यार। गाइस वीडियो के चक्कर में मैं मैच नहीं देख पाया, किसी ने मैच देखा बट इसको फिर भी लास्ट का स्कोर नहीं पता था, और इसको ये नहीं पता कि इंडिया कितने विकेट से जीती थी। बताइयो बता, विकेट से क्यों देख रहे थे? रन से जीती है। किधर टारगेट कितने का था? ऑल आउट थोड़ी हुए थे। टारगेट कितने का था? टारगेट कितने का था? टारगेट था 157 का, अभी मैं चेक मारूंगा। इंडिया जीत के सबसे बड़ी मेन बात यही है। अब देखे 159 कहीं से देखा है ना, ये रहा गाइस ये बॉल भाई 4 विकेट देख सही बताया ना। यस इंडिया जीत चुकी। तो गाइस खाना तो खा लिया है, तो अब मैंने सबसे पहले एडिटिंग करते हैं। और गाइस कल दिवाली है तो मैं फ्री होना चाहता हूँ आज में, और अभी टाइम हो चुका है 11, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2-3 तो आराम से बच जाएंगे और एडिटिंग करके सोऊंगा यार। सबसे बड़ी मेन बात ये एडिटिंग करूंगा। तो फाइनली गाइस रोड स्टूडियो और एक व्लॉग एडिट हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 2:30। मैंने काफी ज्यादा एडिटिंग कर ली और फिर भी एक व्लॉग रह गया यार, और मेरी आंखें दुखने लग गई यार। और हाँ एक बात और गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली, और उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी और सेफ भी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।